खातिन हजरात तारुफ हो गया अब हम बात करेंगे आप क्या सीखने जा रहे हैं इस कोर्स में यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डू फ्री लेंसिंग विच सेंचुरी इनकलूड्स द डूज एंड डोंट्स ऑफ फ्री लेंसिंग फ्री लेंसिंग अगर जनरल कॉन्सेप्ट लिया जाए तब तो यही समझ लगती है ना कि ऑनलाइन आप जाते हैं काम ढूंढते हैं प्रोजेक्ट्स पर बेड करते हैं या एम्प्लॉयज आपको कॉन्टैक्ट करते हैं उसके बाद आप प्रोजेक्ट विन कर देते हैं कर विन करने के बाद आप उसको सक्सेसफुली फिनिश करते हैं और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पैसे मिल जाते हैं लेकिन फ्रीलांसिंग करनी कैसे है तरीका क्या और क्या है हाउ यू कैन सेपरेट यूर सेल्फ फ्रॉम द क्राउड हाउ डिड आई इशाम सर्वर रीच टू दिस पॉइंट जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं क्या वो मैजिक ट्रिक्स अप माय स्लीव्स थी जो मैंने वक्त के साथ तजर्बे करके मैं ये भी कहने में कोई शर्म महसूस नहीं करता मार खा खा के सीखी लेकिन वो तमाम तजर्बे वो तमाम स्टम्बलिंग ब्लॉक्स जिनके ऊपर से मैंने जंपे मार मार के मुश्किल से गुज़र के वो गुर जो मैंने सीखे हैं वो आपको सिखाएंगे कि हाउ टू डू इफेक्टिव फ्री लैंसिंग ईजी एज इट साउंडस बट आई कैन इंश्योर यू दिस इज नो लेस देन अस बिकॉज बिजनेस डेवेलपमेंट फ्री लांसिंग का फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है बिजनेस डेवेलपमेंट में आप सीखते हैं अपने आप को कैसे प्रिजेंट करना है एंप्लॉयर की साइकोलॉजी को समझना जो कि बाई द वे एक्सपीरियंस ओवर अ वी ईयर्स ऑफ टाइम तजर्बे के साथ आएगी ओवर नाइट नहीं आएगी सो बी मेंटली प्रिपेयर टू लर्न द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दम्प्लॉय साइकोलॉजी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस कोर्स में हमने सीखनी है इकट्ठे थ्रू इंटरेक्टिव सेशंस थ्रू वीडियोज थ्रू अ लॉट ऑफ ग्राफिकल कॉन्टेंट जनाब डूज एंड डोंट्स क्या है यानी कि अगर आसान अल्फाज में मैं इसको बताता चलूं फ्रीलांसिंग करते हुए किन चीजों का ख्याल रखना है और किन चीजों से इज्तनाब करना है हर चीज फ्रीलांसिंग नहीं होती लीन कॉन्सेप्ट एल ई एन ये दुनिया का लेटेस्ट लेसन है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से निकला है विच एसेंशली मीन्स स्टेइंग टू द टॉपिक बींग स्पेसिफिक एंड पुट योर कॉन्टेंट कॉन्साइसली जितनी बात है उतनी ही करनी है ना उससे ज्यादा ना उससे कम यही फ्रीलांसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जुज है टू अंडरस्टैंड वट योर एम्प्लॉयर और क्लाइंट वॉन्ट्स उसकी साइकोलॉजी को समझना ये आपको तजर्बे के साथ आएगा मैंने तजर्बे के साथ सीखा लेकिन मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि कैसे वो क्या मैजिक ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ आप एम्प्लॉयर का माइंडसेट समझ सकते हैं बल्कि आप ये भी समझ सकते हैं कि क्या काम स्केल्स वर्ड्स और टूल्स ये चार चीजें आप एडॉप्ट करेंगे ताकि इंप्लायर आपके रिस्पॉन्स से या आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस इन अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस से कन्वेंस हो जाए ये चीजें हमें सीखनी हैं इस कोर्स में और हम इसको साइंटिफिकली लेके चलेंगे यानी कि आपकी प्रेजेंस कितनी मैटर करती है आपकी प्रोफाइल कितनी मैटर करती है कौन से अल्फाज का चुनाव आपने अपने फ्रीलांस मार्केटप्लेस की प्रोफाइल में करना है जिसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं वो कौन से अल्फाज हैं जिससे एम्प्लॉयर अट्रैक्ट होता है वो कौन से अल्फाज हैं जिससे एम्प्लॉयर पुट ऑफ होता है मिसाल के तौर पे ब्रीफली बताता चलूँ यू आर नॉट अ सुपरमैन बिल्कुल ना तो आपकी ड्रेसिंग सुपरमैन वाली है और ना आपका स्किल सेट सुपरमैन वाला है विच इसशली मीन्स कि ना तो आप ग्राफिक डिजाइनर वेब डेवलपर, कंटेंट राइटर क्रिएटिव राइटर डाटा एंट्री ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट कैट कैम इंजीनियरिंग जो कि मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेस हैं जो आप uh, इस प्लेटफॉर्म पे सीखेंगे आप सबके मास्टर नहीं हैं इंस्टेड, यू आर एफिशिएंटली प्रोफिशिएंट इन वन स्किल सेट और उसी की बात करनी है आपने अपनी प्रोफाइल पे बाद की चीजें वो जब आपकी प्रोफाइल इनशाला बढ़ना शुरू हो जाती है तो आप उसको एक्सपेंड करते हैं आई स्टार्ट एज अ ग्राफिक डिजाइनर एंड देन विद द पीरियड ऑफ टाइम एज माई प्रोफाइल ग्रू आई स्टार्ट ऑफरिंग आप ये देख सकते हैं ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कॉन्टेंट राइटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये वो तमाम टूल्स हैं जो आप वक्त के साथ अपनी प्रोफाइल में एक्सपेंशन करते हैं बट टू बिगिन विद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये सीखेंगे कि वो कौन से अल्फाज का चुनाव है जो आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में करना है अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस में करना है दूसरी बात एम्प्लॉयर की साइकोलॉजी समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है बिजनेस डेवलपमेंट जिसका जिक्र मैंने अभी किया वो है ही इसी बारे में कि आप अपने एम्प्लॉयर को इन पर्सन नहीं मिल रहे अगर मैंने आपसे आपका बिजनेस लेना है और हम दोनों एक ही शहर में हैं हम एक मीटअप प्लान रख लेते हैं उसके बाद खुतिन मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं इन पर्सन मीटिंग में ओवर अ कॉफ़ी टेबल कि जनाब मैंने ये ये काम किया और आप मुझे अपना बिजनेस दे दीजिए फ्रीलांस लांस मार्केट प्लेस और इस काम में ऐसा कुछ नहीं है आपका एम्प्लॉयर सात समुंदर पार है